हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अब कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जो है, सिगरेट और तंबाकू जो पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें 28% से 35% जीएसटी लगेगा। जीएसटी की दरों में तर्क संगत बनाने के लिए गठित मंत्रिमंडल ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू, इससे संबंधित हानिकारक उत्पादों पर मौजूदा 28% से बढ़ा के 35%, क्योंकि तंबाकू, सिगरेट, ये सब हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जो सरकार कर रही है बहुत सही कर रही है, क्योंकि अगर इसे महंगी मिलेगी तो हो सकता है कि अफोर्ड कम करे, और जो स्टूडेंट है वो अफोर्ड कम कर सके करे और नहीं पी सके, या गरीब तबका जो तंबाकू खाता है वो भी तंबाकू कम करे, क्योंकि तंबाकू कैंसर को बढ़ावा देता है, कैंसर होने की ज़्यादा चांस होती है, तो इसीलिए या और तरह तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली GOM ने अप्रैल पर कर दरों की तर्क संगत बनाने का फैसला किया है। GOM फैसले में जीएसटी के सबसे ऊंचे 28% स्लैब से बचे सिर्फ 35 बचे हैं सिर्फ 35% प्रोडक्ट। जानिए किन प्रोडक्ट में कितना टैक्स लगता है। माल एवं सेवा कर परिषद में सबसे ऊंचे 28% कर स्लैब में टैक्स में उत्पाद सूची को घटाकर 35 कर दिया गया है। अब इस सूची में एयर कंडीशन, डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, डिश वॉशिंग मशीन, वाहन जैसे 35 उत्पाद रह गए। पिछले एक साल के दौरान जीएसटी परिषद ने सबसे ऊंचे स्लैब वाला 191 उत्पाद का कर घटाया है। माल 191 उत्पाद का फल कर घटाया है। माल कर सेवा पर परिषद ने सबसे ऊंचे 28% कर के स्लैब की उत्पाद सूची को घटाकर 35 कर दिया है। 217 को लागू किया गया उस समय 28% का कर स्लैब 226 उत्पाद या वस्तुओं में था। वित्त मंत्री की अगुवाई में जीएसटी परिषद ने एक साल में 191 वस्तु में कर घटाया है। नई जीएसटी की दरें 27 जुलाई को लागू होगा, जो 35 उत्पादक सबसे ऊंचे स्लैब पर में बचेंगे, जिसमें सीमेंट, वाहन कल पुर्जा, टायर, वाहन उपकरण, मोटर वाहन, याट, विमान, एरेटेड ड्रिंक, अहितकार उत्पाद, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला शामिल है। तो इस तरह करके इन सब में 35% दर लगेगा जीएसटी का। तो ये सही है, इन लोग इसमें रहना चाहिए, ये अफोर्ड कर सकता है यही खरीद सकता है। 1,500 तक का रेडीमेड गारमेंट्स में 5%, 1,500 से 10,000 तक के रेडीमेड गारमेंट्स में 18%, और 10,000 से अधिक मूल्यों वाले गारमेंट्स में 28% की जीएसटी लगेगा। सूत्रों के हिसाब से मंत्रिमंडल का 148 वस्तुओं में कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव आया है। इसका शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक के विचार विमर्श के बाद किया जाएगा फैसला। जीएसटी काउंसिल को ही लेना होगा फैसला। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तंबाकू से इससे संबंधित उत्पादन 35% कर के लिए अतिरिक्त स्लैब बनाया जाएगा। 5, 12, 18, 28% कर के स्लैब पहले के तरह जारी रहेंगे। जीएसटी काउंसिल में पेश करने
के लिए मंत्री समूह ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट की अंतिम रूप दिया। जीएसटी जीओएस ने अक्टूबर में कई वस्तुओं पर दरों में बदलाव किया। इस तरह इसमें 20 लीटर या उससे ज़्यादा क्षमता वाली पीने की पानी का बोतल पर भी दर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। मतलब पानी का जो नॉर्मल आदमी के यूज़ के लिए सही चीज़ है उसका 18% से घटा के 5% कर दिया गया पानी में। बाकी जो तंबाकू है, सिगरेट है या कोल्ड ड्रिंक्स जो बोलते हैं, जो पेप्सी कोला ये सब है, इन सब में 28 से बढ़ा के 35% कर दिया गया है। क्योंकि तंबाकू वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तंबाकू हो या गुटखा हो या सिगरेट हो, कोई भी चीज़ से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं होता, हेल्थ को बिगाड़ता ही है। इसीलिए ये जीएसटी बढ़ाना 28 से 35% सरकार का, गवर्नमेंट का सराहनीय कदम है। इससे बहुत लगाम लगेगा इसके आदि हो चुके हैं, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, इतना वो पैसा खर्च नहीं कर सकेंगे, जो इसकी महंगी कीमत होगी वो दे नहीं पाएंगे और ये पी नहीं पाएंगे। इसीलिए इससे बहुत ही इसमें जो नशा करने वाला हो, सिगरेट का हो, जिसको आदि हो गया है तंबाकू का, उसका भी कम करने का चांस रहेगा। तो ये बड़ा सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं भी सरकार का स्वागत करती हूँ जीएसटी इसमें बढ़ने से। अब पानी का जो 18% से 5% कर दिया, ये भी सराहनीय कदम है, क्योंकि ये सबके लिए पानी जल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कम रहेगा। क्योंकि गर्मी सर्दी हर टाइम पानी का ज़रूरत पड़ता है। ट्रेन में हो, सफ़र कर रहे हो, रास्ते में सफ़र कर रहे हो, कहीं भी लेना है, लोग पानी तो खरीदता ही है, क्योंकि वो तो आदमी का नेसेसिटी है, ज़रूरत है, उसके बिना तो आदमी रह नहीं सकता। हवा, पानी, ये खाना पीना, ये सब तो नेसेसरी चीज़ है। इसीलिए सराहनीय कदम है, इसकी मैं भी स्वागत करती। तब तक इतना है, फिर इंटरेस्टेड टॉपिक पर मैं लेके दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तब तक इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं फिर दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मिलूंगी, वीडियो पे मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।